हेलो, ब्रेल हेलो, मौलवी यूनुस रजा साहब बोल रहे हैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। जी। कश्मीर से बोल रहे कश्मीर से नहीं, मैं तो जम्मू से बोल हैं। देवबंद की मार पड़ी तो फिर जबान खुल गई आपकी। रहा हूँ। अरे देव के मंत्रो, देव के मंत्रो, तुम्हारे देव के मंत्रों के पास ना मैं सब तुम्हारे हाल देख के आया हूँ। ऐसा समझ, आप मुझसे क्या क्या बुलवाना चाहते हो, मैं देवबंद में जाके तुम्हारा हाल देख के आ चुका हूँ। समझ आ गई। तब मैं पहले तुम्हारे जैसा था, लेकिन अल्लाह ताला का फजल है कि मुझे कुछ ऐसा मुर्शिद मिला कि जिसने मुझे रास्ते पे लाया और मैं इस मसले में आया हूँ। समझ आई। मैं देवबंदरों के पास जाके आया हूँ कि कैसा हाल होता है उनका और क्या क्या अकीदा सिखाते हैं वो। अच्छा, लोग बंदर है जो आप लोग बंदर होते हैं। हाँ, बिल्कुल, देव के बंदर हैं वो। इंसान होते तो मतलब ऐसी गंदी हरकत और ऐसे ऐसे गंदे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। सर, मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या अहमद रजा के खिलाफ जाए जो जाए वो आदमी कहता है? क्या अहमद रजा खुद क्या कहे, वो खुद कहे? जो अहमद रजा के खिलाफ जाए, उसकी बगावत करे, उसके कौल के खिलाफ जो करे, मुखालिफत करे, वो आदमी कहता है तुम्हारे नजदीक? मतलब अहमद रजा की जो मुखालिफत करे वो आदमी तुम्हारे नजदीक कैसा है? जो अहमद रजा की मुखालफत करे वो आदमी हमारे नजदीक कैसा है, ये पूछ रहे हैं आप? अच्छा, तो हमारे नजदीक गलत है, क्यों करे बिना बिला वजह? तो आपने गलत देखो, गलत तो आप नहीं क्या? सुनो, फाजिर फाजिर मुर्तद, अरे जो जो देखो मेरी बात सुनो, जो बरेलवी मजहब है उसका बानी अहमद रजा है। जब अहमद रजा से मुखालिफत है तो फिर धर्म ही गया उसका ना, उस हाथ से, है ना? बात सही है ना? मुझे तो आप सुनो, मेरी मेरी समझ में तो आपकी बात ही नहीं आ रही है। फिलहाल तो मैं ये कहूँ, अगर आपने बात शुरू करनी है तो किसी अच्छे नहीं, ढंग से ये शुरू इसी पे करें। पूछ रहा हूँ, शुरू करूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाँ अहमद रजा ही जो है वही बानी है ना बरेलवी फिरका का। हाँ, तो अगर अहमद रजा को ही कोई आदमी न माने, उसकी मुखालिफत करे, फिर धर्म ही उसके हाथ से गया ना। तो हम मानते हैं ना, आप नहीं हाँ, मानते, तो फिर क्योंकि आपने अभी आप कहा कि जो नहीं माने गलत है। आपने एक बात कही कि देवबंदी को आप क्या कहते हैं, बंदर कहते हैं, है ना? हाँ देव देव आपके के इधर बंदर की कहता हूँ। वहाबी मैं क्या कहता दोनों हूँ देव कहते के हैं? बंदर, हाँ, तो आप मैं क्या देव मेरे के साथ, बंदर कहता हाँ हूँ। सुनो, तो आप क्या अहमद रजा साहब कह रहे हैं कि एक मिलाद के मौके पर एक बंदर सामने दीवार पर चिपका मुअद्दब बैठा सुन रहा था, जब कयाम का वक्त अच्छा आया तो मुअद्दब खड़ा हो गया, फिर जब बैठे वो भी बैठ गया, वो बंदर था अच्छा वहां भी नहीं था। यानी वहां भी जो होता है बंदर नहीं होता, यानी बंदर जो है वो बरेलवी जो है, बरेलवी बंदर होते हैं। साबित कर दिया कि मिलाद में वहां अदब से बैठना, तो जो साबित कर दिया है कि वो कह रहा है कि ये बरेलवी का तरीका है, वहां भी का तरीका नहीं, इसलिए कि वहां ये बंदर था वहां भी नहीं था। तो पता है चला इससे वहां भी इससे देवबंदी जो इससे बंदर नहीं सुनो होते। सुनो, इससे ये साबित होता है कि वहाबी से मतलब बंदर बेहतर है, और ये जो वहाबी नहीं, है यहाँ ये पे साहब वो साबित बंदर था वहां भी नहीं था, यानी वहां भी बंदर नहीं वहाबी। होता है। यानी किसी को सुनो किसी सुनो मुताबिक कहा सुनो जाए कि वो जानवर था, इंसान यार, नहीं था, या वो इंसान था जानवर शुक्र नहीं था, तो ये एक हाँ, जो मुकाबिल अल्फाज है, इससे पता चलता है इसका कि या ये तो इसका इसका ये मतलब साफ साफ नजर आता है कि वहाबी से जानवर बेहतर है, क्योंकि लेकिन यहाँ अच्छा पे नहीं। है। देखिए मेरी बात समझ आ सुनो, रही तुम्हारा जो फिर अहमद रजा की बात तो तुम लात मार रहे हो, वो कह रहा है वो बंदर कैसे? था वहां भी नहीं था, यानी वहां भी बंदर नहीं होता, और तुम कह रहे हो कि वहां भी जो बंदर होता है, तो तुम अपने मुजद्दिद की मुखालफत करके तुमने अपने धर्म को ही तलाक दे दिया तीन तरह। बात खत्म हो गई, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल चलो मैं साबित कर दिया, किताब है बिल्कुल। अल मलफूज मुकम्मल, सफा नंबर 36 हिस्सा 4 में, ठीक है? अब बताओ, अब तुम इतराज करो हमारे अकाबिर पर, मैं दफा करूं, या फिर मैं तुम्हारे मुजद्दिद पर इतराज कर तुम दफा करोगे, बताओ? सुनो सुनो, इसका तो नहीं, इससे जो तो जो मैं साफ कह रहा नजर हूं आई। उस पर आओ, उस पर आओ। सुनो मेरी बात सुनो, तुम मेरी दफा बात सुनो, करोगे अपने मुजद्दिद का मैं इससे काफी साबित इससे करूंगा, या फिर तुम इससे हमारे ये अकाबिर साबित पर बात करोगे, मैं अब दफा करूंगा अपने अकाबिर का, बताओ किस पर बात करोगे तुम? इससे साबित होता है कि वहाबी यानी कि बिल्कुल यानी कि बंदर से भी पीछे हैं तुम्हारे ना, कहने से कुछ इससे नहीं ये होता, साबित तुम्हारे होता कहने से कुछ नहीं होता कि तुम्हारी है। बात यार है। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम्हारे मौलवी बिला का शक उसूल हमारे है कहने तुम्हारे, से नहीं होता, लेकिन हाँ माशाल्लाह हमारे अच्छी बात कहने है, से हो, देखो हमारे कहने से नहीं नहीं होता, सर, लेकिन लेकिन हमने खुद तुम्हारे उलमा ने बात खुद चुकी जाके है देखा कि है बंदे ना। मुकाबिल को उसकी किताब से साबित करना है, न कि अपनी किताब से, समझे कि नहीं? क्या क्या साबित करना? मद्दे मुकाबिल के खिलाफ कोई भी अगर हवाला पेश किया जाए तो उनके घर से साबित किया जाए ना, अपने घर से।
तो तुम्हारे घर की बात हमारे लिए हुज्जत नहीं है, तुम्हारे घर की बात तुम्हारे लिए हुज्जत है, ठीक है। तो हमें कुछ कहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कादियानी मलून अहले सुन्नत को कुछ भी कहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। गैर मुकल्लिद अहले खबीस हनफी को कुछ कहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, लेकिन तुम बरेलवी अगर अहले सुन्नत को कुछ कहो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी बात तुम्हारे नजदीक हुज्जत है, हमारे नजदीक हुज्जत नहीं है। अहमद अजहर कह दिया एक बात कि वहां भी बंदर नहीं होता, और वह अहमद रजा की बात के मुताबिक तुम्हारे तुम्हारी किताब में मौजूद है कि अहमद रजा की जबान और कलम से नुक्ता बराबर खता हो, अल्लाह ने इसको नामुमकिन बना दिया है। तो अहमद रजा कह दिया वहां भी बंदर नहीं होता, फिर तुम मुखालिफत कर रहे हो तो तुम अपने मुजद्दिद के बागी बन रहे होते। यूनुस रजा मौलवी, ये बगावत तुम जितने तुम्हारे मौलवी हैं सबको मैंने देखा अपने मुजद्दिद की बगावत में उतर आए हो। क्यों सर? चलो ठीक है, मैं आपको बंदर नहीं, मैं आपको कुत्ता कहता हूँ, बस ठीक है। तुम्हारे कहने से क्या होता है? कुत्ता तो अहमद कुत्ता तो अहमद ने कहा कि हमारी हमारी जो औलाद है आला नस्ल की कुत्ते, और वो अपने दो बेटों को खानका में पेश किया और कहा कि ये दो कुत्ते हैं, इसको रो रखो, ये अच्छी रखवाली करेंगे। और ये अहमद ने बात कहा कि ये आला नस्ल के कुत्ते हैं। मैं हवाला दूं? अरे खबीस लान की मेरी बात तो सुन अनित, मैं बोल रहा हूँ कि तुम हमारे अकाबिर के मुताबिक कुछ इबारत पेश करोगे मैं दफा करूँ, या फिर अहमद रजा कुफरी आके तो मैं पेश करूँ, अहमद रजा दुनिया का बदतरीन काफिर था मैं हवाला पेश करूँ, तुम दफा करोगे? कौन? अहमद रजा अपने और अपने हम मसलक मौलवियों की इबारात और तहरीरात की रोशनी में दुनिया का बदतरीन काफिर था, यहूदी से, ईसाई से, नसारा से।